अभी भी मौका, फ्री में कर सकते हैं आधार से जुड़ा ये जरूरी काम, नोट कर लें डेडलाइन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI आधार कार्ड में फ्री में अपडेट करने की सुविधा दे रहा है और घर बैठे ऑनलाइन अपडेशन की सुविधा का लाभ 14 जून तक उठाया जा सकता है। आधार कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, जो आपकी नागरिकता का प्रमाण होने के साथ ही बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर जमीन मकान खरीदने के लिए ज़रूरी है। यहां तक कि अपने मोबाइल फ़ोन के लिए सिम कार्ड खरीदने के लिए भी आपके पास आधार का होना अनिवार्य है। इसी बीच ये ज़रूरी है कि आपके आधार कार्ड में दर्ज डिटेल अपडेट हो। UIDAI इसमें डॉक्यूमेंट अपडेट करने की सुविधा फ्री में दे रही है, जो अभी भी जारी है। इस फ्री सर्विस का इस्तेमाल जून तक किया जा सकता है। कब तक करा सकते हैं फ्री में आधार अपडेट? UIDAI ने 10 साल से ज़्यादा समय पहले बनवाए गए आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की सुविधा दी हुई है और इसकी डेडलाइन को कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। बीते मार्च महीने में भी इस सर्विस के फ्री में इस्तेमाल करने की अंतिम तिथि को 14 मार्च से बढ़ाकर 14 जून 2024 कर दिया गया था। ऐसे में अगर आपके पास कार्ड में कोई जानकारी अपडेट करनी है तो उसे अभी भी बिना कोई शुल्क दिए आप करवा सकते हैं। कई बार बढ़ाई जा चुकी है डेडलाइन। आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन के बाद आपको ये जरूरी काम करने के लिए पैसे देने होंगे। खास बात यह है कि UIDAI द्वारा दी जा रही आधार कार्ड अपडेट करने की यह मुफ्त सर्विस केवल माय आधार पोर्टल पर उपलब्ध है। UIDAI ने इस सुविधा की डेडलाइन में इजाफा करते हुए सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि लोगों को अपने आधार में दस्तावेजों को अपडेट कराने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गौरतलब है कि फ्री आधार अपडेट के डेडलाइन के पहले 14 दिसंबर 2023 से बढ़ाकर 14 मार्च 2024 किया गया था। इसके बाद फिर 3 महीने के लिए यानी 14 जून तक इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। ऑनलाइन डिटेल कैसे होगी अपडेट? सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट UIDAI.gov.in पर लॉगिन करें। अब होम पेज पर माय आधार पोर्टल पर जाएं, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले OTP का यूज़ करके लॉगिन करें। इसके बाद अपनी डिटेल की जांच करें और अगर डिटेल सही है तो सही वाले बॉक्स पर टिक करें। डेमोग्राफिक जानकारी गलत मिलने पर ड्रॉप डाउन मेन्यू से पहचान दस्तावेज सिलेक्ट करें और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। यह दस्तावेज JPEG, PNG और PDF के रूप में अपलोड किया जा सकता है।